इस एक वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना EDLI का बेनिफिट ले सकते हैं और किन शर्तों में आपको EDLI का बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि किस तरह से आपकी पेंशन की कैलकुलेशन होती है, अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो क्या हम 2 साल 3 साल बाद भी उनका PF या पेंशन या EDLI का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 3 साल बाद जाएंगे तो हमें मंथली पेंशन उसी टाइम से मिलना शुरू होगी या फिर बाद में मिलना शुरू होगी। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो इनका केस है, उनकी वो एक्सपायर हो गए थे 2016 में और मेरे से जो संपर्क किया गया है वो अभी संपर्क किया गया है। ये पूछा गया है कि हमारा EDLI का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हमारा पहला पॉइंट यही है समझने का कि EDLI का बेनिफिट किसको मिलता है और कब नहीं मिलता है। तो EDLI मतलब होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो कि हर मेंबर को मिलता है। इस इंश्योरेंस के अंदर जो अमाउंट कटता जमा किया जाता है वो कंपनी जमा करती है। जो भी आपकी सैलरी है उसका एक छोटा सा परसेंटेज, एग्जैक्ट नहीं पता है, ज़रूरी भी नहीं है, एक छोटा सा परसेंटेज आपकी कंपनी जमा करती है इंश्योरेंस के तौर पे। उस इंश्योरेंस के नाम पे जब अगर मान लीजिए कोई मेंबर एक्सपायर हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का एक मुश्त अमाउंट दिया जाता है। मतलब आपको PF तो मिलेगा ही, मंथली पेंशन तो मिलेगी ही, इसके अलावा अगर नौकरी के दौरान एक्सपायर हुए हैं तो आपको एक मुश्त उसमें एक मुश्त पैसा मिलता है 2.5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक। डिपेंड करता है आप कितने साल नौकरी की थी और आपकी लास्ट में जो सबसे लास्ट में सैलरी थी वो कितनी थी, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको 2 लाख मिलेंगे, 2.5 लाख मिलेंगे या 7.5 लाख मिलेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि कंपनी वाले अगर रीज़न गलत डाल देते हैं तो आपको EDLI का बेनिफिट मिलने में परेशानी होती है। रीज़न का मतलब क्या होता है? रीज़न का मतलब होता है कि जब बंदे को दिखाया गया कि ये एक्सपायर हो गए तो यहाँ लिखना होता है कि वो पर्सन नौकरी कर रहे थे उस समय या नौकरी छोड़ के घर जा चुके थे। ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब नौकरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए मृत्यु, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि कोई पर्सन नौकरी कर रहे हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो भी उसे इंश्योरेंस मिलेगा। वो घर गया, 2 दिन बुखार रहा, 3 दिन बुखार रहा, हफ्ते भर बुखार रहा, फिर एक्सपायर हो गए तो भी EDLI का बेनिफिट मिलेगा। EDLI का बेनिफिट लेने के लिए शर्त नंबर एक है कि 11 महीने की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। 11 महीने की कंटिन्यूस सर्विस का मतलब है एक कंपनी में कम से कम 11 महीने नौकरी की हो, उसके अंदर उसका PF जमा हो रहा हो 11 महीने के लिए। ये कोविड के टाइम से पहले 11 महीने की एक लास्ट कंपनी में सर्विस देखी जाती थी, लेकिन अब जो सर्विस देखी जाती है वो पिछली सर्विस और नई वाली सर्विस दोनों को मिला के भी अगर 11 महीने बन रहे हैं तो भी आपको EDLI का बेनिफिट दिया जाता है नए प्रावधान के हिसाब से। यहाँ पे अब जो पॉइंट हमें समझने हैं वो ये है कि देखिए मेंबर के एक्सपायर कब हुआ था, मेंबर कब एक्सपायर हुआ था, तो मेंबर की एज उस टाइम थी 35 साल। मेंबर की एज यहाँ पे हम निकालते हैं, सबसे पहले मेंबर की एज क्या है, तो यहाँ पे 1981 है और माइनस हम करेंगे 2016 में एक्सपायर हुए, तो यहाँ पे 35 साल एज है इनकी, ठीक है। इन कंपनी ने क्या गलती की, कंपनी ने गलती की डेथ अवे फ्रॉम सर्विस किया। अगर आपको EDLI का बेनिफिट चाहिए और आपको लगता है कि वो तो बंदा नौकरी कर रहा था या छुट्टी पे घर गया था, तो कंपनी को बोलिए रीज़न ऑफ एग्जिट ठीक करेंगे, करेक्शन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर PF ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, फिर नया EDLI फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपने पेंशन निकाल ली हो, मंथली पेंशन शुरू हो गई हो और PF भी आना शुरू हो गया, उसके बाद आप EDLI का बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ सकती हैं। तो पहले आप कोशिश करें कि आप जब भी शुरुआत में फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो उसी टाइम आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको EDLI का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिल रहा है, उस समय पे आपको देखना है। ये जो फॉर्म भरा गया है, ये फॉर्म बाद में मेरे को मतलब इन्होंने पेंशन लेना शुरू कर दिया उसके बाद इनका ऐसा आया कि हमें EDLI का बेनिफिट नहीं मिला है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब इनका कुछ EDLI मिलने वाला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि इनकी टोटल सर्विस कितनी है, 2 साल 2 महीने 27 दिन की टोटल सर्विस हो गई, छुट्टी वाले दिन हो गए 209, ये 209 दिन घटाने पे बना 1 साल 8 महीना 2 दिन। तो ये 1 साल 8 महीने को अगर 6 महीने से ऊपर है तो 1 साल माना जाएगा, तो इस 8 महीने को 1 साल माना गया, तो एलिजिबल सर्विस कितनी हो गई, 2 साल की सर्विस हो गई। अब यहाँ पे इनकी लास्ट में जो सैलरी उठाई गई थी वो थी 7,000 रुपये
पेंशनेबल सर्विस किस हिसाब से कैलकुलेशन की मेरे को नहीं पता है, बट यहाँ पे पेंशनेबल सर्विस के हिसाब से ही आपको पेंशन दी जाएगी। अब मान लीजिए कि वो शादीशुदा है तो उनकी पत्नी के नाम पे मिलेगा 24% मिलेगा, जो भी आपकी पेंशनेबल सर्विस होगी उसका 24% आपको मिलेगा पत्नी के नाम पे, अगर पत्नी है तो। और पत्नी के नाम पे मिलेगा 24%, जैसे आप यहाँ देखेंगे 24% हमने निकाला तो 2110 रुपये बना, 2110.80 बना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं और हम इन आपको दिखाते हैं कि इनको मंथली वाइफ को कितना इनको मिल रहा है। तो वाइफ को जो पेंशन मिल रही है, वाइफ को पेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाइफ के नाम पे पेंशन मिल रही है 2111 रुपये, और बच्चों के नाम पे और बेटी के नाम पे, यहाँ बेटा बेटी दोनों हो सकते हैं, तो बेटा हो मान लीजिए दो बेटे हैं तो दोनों बेटों को मिलेगी आधी आधी, जो यहाँ पे पेंशन है उसका आधा कर दीजिए। मान लीजिए इसका मान लीजिए यहाँ 2000 होता तो 2000 का आधा हो गया 1000, 1000 में 500 पहले बच्चे को और 500 दूसरे बच्चे को मिलते, तो इस हिसाब से हमने देखा कि कितना इनका मंथली पेंशन इन्हें मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट समझे हैं, यहाँ पे देखिए किसको कितना मिलेगा, जो बच्चे होंगे बच्चे को 25 साल की उम्र तक मिलेगा, जो भी बच्चे हैं उन्हें 25 साल की एज तक उन्हें मिलेगा, जो यहाँ पे जो भी इनकी एज है, यहाँ आप देखिए 2009 किसी की अगर एज 2009 है तो यहाँ 2009 से इन्हें कब तक मिलेगा, यहाँ पे टाइम लिखा गया है 2034, तो यहाँ हमने देखा 2034 तक एज कितनी है 25 साल, लड़के की एज 25 साल हो रही है 2034 में और लड़की की एज हो रही है 25 साल 2037 में। हालांकि ये 528 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसको नहीं मिलते हैं उसके लिए इतना भी बहुत है। तो ये अमाउंट बढ़ भी सकता है फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल इनको मंथली पेंशन के तौर पे इतना ही मिलेगा। हर साल इन्हें एक बार लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा कि भाई हम जिंदा हैं, वाइफ को मिलता है अगर वो शादी नहीं करती है, बेटे को मिलता है 25 साल की एज तक, और बेटी को मिलता है जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाती या 25 साल से पहले अगर शादी कर लेती है तो उनको मिलना बंद हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा लोग अपना आसानी से काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।